साउंड सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीपीएल इलेक्ट्रॉनिक चैनल सर्किट को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और अगर आप हमारे पुराने वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे नाम पर क्लिक करके और वीडियोज़ पर जाके आप हमारी पुरानी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सारी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, आप देख रहे हैं वीपीएल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक पावर सप्लाई के बारे में बताऊँगा जो कि 12 वोल्ट से 24/0/24 में आप कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि आप देख सकते हो। मैंने इसका PDF प्रिंट निकाल रखा है, इसका प्रिंट लेआउट, और इसकी जो PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो इसे बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत रहती है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर करते हैं क्या है कि ये PCB को, वो इस लेआउट को हम PCB में छाप लेते हैं। और ये जो वर्क करती है पावर सप्लाई, ये हमारी कुछ इस तरीके से वर्क करती है कि पहले DC रहती है 12 वोल्ट, फिर उसे कन्वर्ट करा जाता है PWM सिग्नल में, आप AC भी बोल सकते हो आमतौर पर अगर PWM समझ में आए तो, उसमें कन्वर्ट होती है। फिर आपको पता है कि ट्रांसफार्मर जो रहता है, चोक रहती है, वो AC की पल्स पे ही काम करती है, या पल्स कह सकते हो उस पर ही काम करती है, तो AC हो जाती है, तो उसे बूस्ट करा जाता है, जो कि एक साइड टर्ने कम रहती है, रेशियो 5:11 का रहता है, एक तरफ 5 टर्ने एक तरफ 11 टर्ने लपेटोगे तो आपकी 24 वोल्ट बनेगी 12 वोल्ट से। एम्पियर जो कि है वायर की मोटाई पे डिपेंड करता है, या कितनी वायर उसके अंदर लिपट रही है उस पर भी डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हो कि ये PCB थोड़ी छोटी पड़ रही है, तो मैं इसको काट लूँगा और काटने के बाद इसके ऊपर चिपकाऊँगा। तो आई होप कि आपको वो जो मैंने पहले बताया वो समझ में आया होगा। तो अब हम इसको काट के फिर इस पर चिपकाएंगे। इसको चिपकाने के लिए हम प्रेस करते हैं इसके ऊपर, और क्लीन भी करनी होती है PCB, जो कि मैंने आपको दिखाया। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर कट गया है, वो एक्स्ट्रा है उसको नहीं काटूंगा मैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेरे पास काटने वाला कटर नहीं है, ऊपर से बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उसको काटने में। तो चलिए अब मैं चिपका लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये पूरी PCB कंप्लीट हो गई है, बस इसके ऊपर अब प्रिंट करना रह रहा है जो दूसरा वाला प्रिंट था, आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये वाला प्रिंट इसके ऊपर मैं कर दूंगा तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अभी आपको ये नाम भी उल्टा दिख रहा होगा, तो ये जो कि है जिस तरफ ये IC है, ये कुछ इस तरीके से इस पर चिपक जाएगा, बिल्कुल बराबर बैठेगा ये इस पर, ठीक है। तो इसके ऊपर चलिए मैं चिपका लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर ये PCB बन चुकी है, और ये इसका ओरिजिनल साइज है, इसे देख सकते हैं आप, थोड़ी सी छोटी भी है ये PCB, तो इस तरीके से थोड़ी बहुत ही ज़रा सी छोटी है, और जो सर्किट डायग्राम है वो भी काफ़ी पतला है। खैर, ये हो इसकी बात। अब बात कर लेते हैं कंपोनेंट की कि कौन से कहाँ पे लग रहे हैं, कहाँ पे तो नहीं, खैर कौन कौन से लग रहे हैं। तो रेजिस्टेंस 7 तरीके की लग रही है, 446 ओम है एक, 26K की एक, 100 ओम एक, 12K की दो, 12 ओम दो, टोटल 7 रेजिस्टेंस है। PF जो है वो 6 है, 2 है 102 का, 104 के 4 हैं, टोटल 6 हो गए। डायोड देख लेते हैं, डायोड है 5 तरीके के, 4007 का एक है, या 5399 आप लगा सकते हो एक, दोनों में से कोई सा, 5408 UF वाला लगेगा ये, 4 कैपेसिटर 4 लगेंगे, 50 वोल्ट 4.7 UF का एक, 2225 एक, 2235 दो, जो थोड़े बड़े वाले रहते हैं। DT चौक लगेगी एक, जो जिसे DT बोलते हैं, चौक भी बोलते हैं। IC लगेगी 3525 की एक, मोसफेट लगेंगे दो लगने थे, आप मैंने 4 लिख रखा है। खैर, इसके साइड वो देख लेते हैं, दोनों साइड सेम होती है रेजिस्टेंस, ये वाले भी दोनों साइड सेम होते हैं, और जो डायोड रहता है वो इस तरीके से लगता है, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, इधर वाला माइनस इधर वाला प्लस है। और डायोड देख लेते हैं, जो इधर छोटा वाला साइन रहता है वो माइनस रहता है, इधर वाला प्लस रहता है। उसके बाद ये होता है DT, इसमें 4 लैग कुछ इस तरीके से होते हैं, वाइंडिंग दोनों आपस में मिक्स नहीं होती है, ठीक है। जिस तरफ कम रहता है वो इनपुट की तरफ लगता है, जिस तरफ ज़्यादा वाइंडिंग रहती है वो आउटपुट की तरफ लगता है। जो होता है MOSFET का साइन, ड्रेन सोर्स गेट, तो इस तरीके से ये है गेट ड्रेन सोर्स, तो जो ड्रेन रहता है वो आउटपुट रहता है, सोर्स इनपुट रहता है, गेट के हिसाब से ये काम करता है। जिधर साइड गेट रहता है वो IC पे जाती है उसकी पिन, तो इधर देख लेते हैं कि IC की पिन के नाम है, इधर से शुरू होता है 1 से 8 9 16, तो इस तरीके से। और ये सर्किट डायग्राम है, तो आप देख सकते हैं इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि यहाँ पे पूरा आ नहीं पा रहा था, तो मैंने उसको फिर इसकी वाइंडिंग जो है यहाँ पे करके फिर एक ब्रिज रेक्टिफायर, बस ज़्यादा नहीं है कुछ, ब्रिज रेक्टिफायर बनता है बस, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो। तो इस एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, फिर दोनों ये दोनों
ग्राउंड पे कनेक्ट हो जाते हैं इस तरीके से। तो ये इस तरीके से इसका सर्किट डायग्राम है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको भर लेता हूँ। इसको भरने के लिए ज़्यादा कुछ निकलना हमें, जो इसमें पास पहली सर्किट है इसी हिसाब से इसको भरना है। तो मैं इसी में से ही निकाल निकाल के भरूंगा इसको। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप ये देख सकते हैं पूरा कंप्लीट हो गया है। कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे 102 पीएफ लग रहे हैं दो, फिर उसके बाद 47 ओम, फिर उसके बाद 27 के, फिर उसके बाद एक डायोड, फिर 100 ओम 12 ओम इधर वाली, फिर 12 के, फिर 12 ओम 12 के, ये कंडेंसर है 2225, ये मॉसफेट Z44N, ये चोक, उसके बाद डायोड UF5408, उसके बाद 2235 के दो कैपेसिटर। तो इस तरीके से कुछ ये लगे हुए हैं। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि कैसा चल रहा है। तो चेक करने के लिए मैं ये वाली पावर सप्लाई यूज़ करूँगा जो मॉडिफाई करके मैंने बना रखा है 12 वोल्ट में, जो कि वाली 19 वोल्ट की थी ये सप्लाई। चार्जर है तो ये प्लस का है, मैंने अलग निकाल रखा है एक वायर प्लस का, और यहाँ पर स्विच के लिए ये देख सकते हैं एक जम्पर लगा हुआ है, तो ऑन हो जाएगा अभी लगाते ही। तो मैं एक बार प्लग लगाता हूँ तो फिर निकाल, तो आप देख सकते हैं कि अभी इसके अंदर वोल्टेज चेक कर लेते हैं हम। तो देख सकते हैं आप कि 24 वोल्ट आ रही है, अभी लो हो गया होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।